ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं YouTube का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज जो हुआ ये तो होना ही था और मार्केट ने आज इस तरह से ही परफॉर्म करना था। वजह क्या थी इस तरह परफॉर्म करने की? एक तो वजह ये थी कि मार्केट आपकी कल के टाइम में एक हाई टॉप रख चुकी थी और मार्केट करेक्शन की तरफ जा चुकी थी। एक तो वजह ये थी कि मार्केट ने 41,800 का लेवल रख दिया था और मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करवाना था। सेकंड वजह ये थी कि आज अदालतों में यानी कि मुख्तलिफ केसेस थे इमरान खान साहब के वजह से, तोशा खाने के वजह से, उसकी वजह से भी अगर देखा जाए तो वजूहत में ये वजूहत बन गई कि फैसला आने वाला था। उस वजह से मार्केट आपकी लेग क्लस्टर परफॉर्म कर रही थी। स्टार्टिंग मार्केट बहुत अच्छी स्टार्ट रही 60 पॉइंट प्लस के साथ और फिर हमने ये देखा कि मार्केट में वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर जैसे जैसे मार्केट का वक्त गुजरता गया और अदालत का फैसला नजदीक आता गया, उस वक्त तक तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक होते हुए नजर आया। वॉल्यूम स्लो हो गए और मार्केट भी आपकी स्लो हो गई। एक टाइम में मार्केट आपकी 66 पॉइंट माइनस तक गई थी, लेकिन हमने देखा कि बाद में मार्केट की एडजस्टमेंट होने के बाद 99 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही है 41,334 के करीब। वॉल्यूम्स हुए 159 मिलियन के, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल देखा जाए तो 221 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टैली कार्ड, WTN, मैपल लीफ यानी कि टॉप पे रहे। टॉप गेनर्स में पार्ट टू बी को ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो रिफान में सफाइड फाइबर ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो सेक्टर वाइज पोजीशन में सीमेंट सेक्टर आपका टॉप पे रहा 61 पॉइंट प्लस के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल कोल के जो प्राइस है वो डिक्लाइन कर रही है। इसके अलावा टोबैको 15 पॉइंट, बाकी के भी हमने स्लाइटली पॉइंट में इजाफा देखा। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस तकरीबन 63 पॉइंट के साथ नेगेटिव, कमर्शियल बैंक के 34 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फूड सेक्टर, तमाम सेक्टर्स में हमने कुछ ना कुछ गिरावट या कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन हमने मार्केट में विटनेस की। इसके अलावा अगर हम देखें यानी कंपनीज वाइज, तो हबीब बैंक, पार्क टोबैको, पाइनियर, मैपल लीफ, चिराग मैपल लीफ, कोहार्ड, लक्की सीमेंट, चिराग सीमेंट, हबको ये आपके टॉप पे रहे। जबकि डिक्लाइन साइड पे देखें तो OGDC, मिजान बैंक, PPL, MCB, पाकिस्तान ऑयलफील्ड ये आपके डिक्लाइन रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में डॉलर जो है आज स्लाइटली यानी कि गिरावट हुई और पाक रुपीज में अप्रिशिएट हुआ 0.19% का यानी कि इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो यानी कि वारंट मंसूखी केस का जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और किसी भी टाइम यानी सुना सकती है। तोशा खाना के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया वो किसी भी टाइम यानी सुनाया जा सकता है। अगर कोई यानी कि फैसला अगेंस्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो खैर इमरान खान साहब के पास यानी कि होगा कि इमरान खान साहब उसको चैलेंज करेंगे और मामला चलेंगे। लेकिन अगर हम यानी कि इसके अलावा IMF के हवाले से गुड न्यूज, IMF के हवाले से न्यूज़ देखें तो देखिए IMF के मुतालबात बढ़ते ही जा रहे हैं। IMF कहता है कि डू मोर यानी कि मजीद यानी कि आप अपनी मईशत में बेहतरी लाएं। इसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम आपको प्रोग्राम तो कर लेंगे लेकिन बाकी मामला किस तरह होंगे। लेकिन खैर इसहाक डार साहब और मुख्तलिफ जो मामला थे और श्योरिटी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि मामला इस तरीके से हैंडल होंगे। सेकंड नंबर पर चाइना सबसे पहले पाकिस्तान की जो है वो हेल्प कर चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सेक्रेटरी सूबाई इलेक्शन कमीशन ने और दीगर मुतालिका की ब्रीफिंग दी गई। और इसके अलावा ये था कि आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एम इजलास यानी कि स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था और किसी भी टाइम ये अनाउंसमेंट दे सकती है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कारोबारी हल्कों ने सुकून का साथ लिया, क्योंकि कल रात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 1.5 घंटे तक बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग की, उनके मसाइल हल सुने भी और हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो काबीना ने लग्जरीज आइटम पर 25% की करने की मंजूरी दे दी है और IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई है। मुसलसल अगर हम देखें तो यानी कोल प्राइस डिक्लाइन कर रहे हैं, जो हमारी मईशत के लिए, हमारे सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें ये वो स्टॉक्स हैं जिनके यानी डिविडेंड पे आउट्स दिए हुए और उनकी लास्ट डेट अपडेट है, जिसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, हबको है, बैंगरफ्लाई है। अगर इस डेट के बाद आप सेल करेंगे तो आपको बोनस और डिविडेंड यानी कि मिलेगा, अदरवाइज उससे पहले सेल करेंगे तो आप डिविडेंड बोनस अवेल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $80 के पास। हमने आपको कहा था कि क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा और आज $80.32 की तरफ जा चुका है। क्रूड ऑयल का थोड़ा डिक्लाइन करता है 79 या 78 के पास,
तो स्लाइटली करेक्शन होगी, लेकिन अगर हम देखेंगे क्रूड ऑयल में वंस अगेन 81 से लेकर 83 तक जा सकता है, 77 सपोर्ट लेवल होगा। क्रूड ऑयल में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर आपके थोड़ा सा डिक्लाइन हुए, गोल्ड $6.5 गिरा है, जबकि सिल्वर में देखा जाए तो 7 सेंट गिरा है, 21.05 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन मजीद कर सकते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका मजबूत हो सकता है, क्योंकि इस मंथ में अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा करने वाला है, यानी कि इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है और एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 41,655 हमारा रेजिस्टेंस लेवल, 41,255 हमारा सपोर्ट लेवल है। चूंकि आज मार्केट एक रेंज बाउंड रही और इंडेक्स जो कि ओवरबोट था 750 पॉइंट 686 पॉइंट ओवरबोट हो चुका है, यानी कि थोड़ी सी आज कमी हुई। इसके अलावा अगर साल के हिसाब से देखें तो 1,618 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर कल के दिन में हमने 41,800 के लेवल पे सेल कॉल दी थी और आपको बताया था कि मार्केट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगी, फिलहाल आपने मार्केट के अंदर इंडेक्स के लिहाज से अंदर तेजी नहीं देखनी है और मार्केट आपकी इसी के दौरान आपके कुछ सेक्टर परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन मार्केट इंडेक्स के लिहाज से अब यानी करेक्शन की तरफ है। आज वही करेक्शन हमने कंटिन्यू होते हुए देखी, इंडेक्स के अंदर हमने काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी और फिर लास्ट में हमने गिरावट भी देखी, लेकिन अगर इसके बरक्स देखें तो सेक्टर वाइज हमने तेजी देखी, जैसे कि सीमेंट सेक्टर की इनसाइड न्यूज, कोल प्राइस का डिक्लाइन होना तो सीमेंट सेक्टर का बढ़ जाना। अच्छा, टेक्नोलॉजी में एक करेक्शन के बाद हमने यानी कि तेजी देखी, इसके अलावा और भी सेक्टर्स में हमने एक टाइम में हाई साइड पे जाते हुए देखा, फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ यानी कि सेक्टर क्लोज होते हुए नजर आए। कल के दिन में इंपॉर्टेंट लेवल ये होगा कि 41,200 जैसे कि 300 का लेवल होगा मार्केट का, अगर स्टार्टिंग में मार्केट 41,300 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो मार्केट चूंकि करेक्शन की साइड पर 41,800 से उसी चीज को मार्केट कंटिन्यू करेगी और 41,200 से लेकर 41,000 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है, 41,000 के पास मार्केट की सपोर्ट है। तो सेकंड नंबर भी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी नेगेटिव साइड पे क्लोज रही है, स्टार्टिंग में मार्केट ब्रेक कर जाती है 41,300 के लेवल को तो मार्केट अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी 41,000 तक। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 41,500 से ऊपर क्लोज होती है सुबह 10 बजे तक तो फिर हम मार्केट के अंदर यानी कि रिकवरी देखेंगे 41,600 से लेकर 800 तक के लिए, 800 हमारा मेन इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इस लेवल पे आपने यही करना है कि अगर लेवल आपका ब्रेक हो जाता है 41,300 का लेवल तो आपने फॉरेन से बाइंग नहीं करनी है, वेट करना है मार्केट जब तक अपने आपको एडजस्ट ना कर ले लोअर साइड पर, और फिर देन जैसे ही स्पेशल ग्रुप में बाय कॉल दी जाती है देन आपने बाइंग करनी है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा हाई पे बाइंग कर लेते हैं और मार्केट 300 पॉइंट गिरावट कर लेती है तो आपके पास हैवी प्राइस की स्टॉक्स आपके हाथ में रह जाएंगे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डे चार्ट के ऊपर देखें तो डे चार्ट के ऊपर आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर नेगेटिव कैंडल क्लोज रही, कल भी जैसे एक थोड़ी सी स्लाइटली पॉजिटिव रही थी मार्केट तकरीबन 97 पॉइंट और आज हमने 99 पॉइंट को करेक्ट होते हुए देखा। डे के चार्ट के ऊपर मार्केट अपना देखा जाए तो 41,480 का जो लेवल बनता था मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर चुकी है। सपोर्ट के हिसाब से देखें मार्केट की जो डे के ऊपर जो सपोर्ट है बेसिकली अगर देखा जाए तो 41,000 सपोर्ट लेवल है, उससे पहले मार्केट को कल के दिन में 41,500 का लेवल अचीव करना लाजमी होगा। तो आपने करना ये इन शॉर्ट व्यू यही है कि मार्केट आपकी इंडेक्स के लिहाज से मार्केट करेक्शन की साइड पर है, 41,500 सस्टेन करती तो फिर आप बाइंग की तरफ आएंगे स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने देंगे और मार्केट 200-300 पॉइंट करेक्ट कर लेती है देन आप बाइंग की तरफ आएंगे। स्पेशल ग्रुप में आज भी कॉल्स दी गई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें टेक्नोलॉजी की कॉल्स दी गई, स्टील सेक्टर की कॉल दी गई, इसके अलावा देखा जाए तो काफी स्टॉक्स हमने कॉल दी जिनके अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए, जिसमें ऑटो भी था, जिसमें सीमेंट सेक्टर भी थे, बहुत सारे स्टॉक थे उनके टारगेट अचीव हुए। इस तरह की स्पेशल कॉल अचीव करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यानी कि व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके नंबर आ रहे होंगे मोहम्मद दानिश के ग्रुप कॉल करके कांटेक्ट करके आप अपने आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। आज शबे बारात है, बड़ी रात है, खूब इबादत करें और मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से कोई दिल आजारी हुई, कोई ऐसी चीज हुई तो इसके बारे से माफी चाहते हैं। बाकी ये कि शबे बारात है, अपने प्यारों से माफी मांगे और खूब इबादत करें, ये बहुत बड़ी रात है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।